धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए एनएच प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।
आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है आप और कौन हूं मैं। आप हमारे सरवराह है जनाब, रहनुमा है हमारे। और आप कौन है? हम आपके सिपाही हैं जनाब, शहताज साहब आपके लिए हम जान देने को तैयार हैं। बस यही फर्क है सोच का, इसीलिए हम नाकाम हैं। आपकी तरह मैं भी एक सिपाही हूं, एक मुजाहिद हूं। जान तो हमें अपनी जमीन के लिए देनी है, अपने मकसद के लिए देनी है, अपने कश्मीर के लिए देनी है। कितने साल हो गए हमें कश्मीर के लिए लड़ते लड़ते, कोई अंदाजा है कितने भाई खोए हैं हमने? कश्मीर की मस्जिदों में ऐसी कोई नमाज नहीं होती जिसमें नमाज जनाजा शामिल ना हो। ऐसी कोई सुबह नहीं होती जब कोई बहन बेवा नहीं होती। ऐसी कोई शाम नहीं होती जब कोई बच्चा यतीम नहीं होता। इस दुख का मातम करते करते हमारी आंख के आंसू सूख गए। केसर उगाने वाले इन हाथों पर लाशों को दफन करते करते छाले पड़ गए। 20 साल ये जुल्म ये दर्द सहा है हमने, पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। अब हम हिंदुस्तान के सीने पर एक ऐसा जख्म लगाएंगे, ऐसी तबाही मचाएंगे कि वहां का बच्चा बच्चा चीख चीख कर कहेगा, ले जाओ कश्मीर, ले जाओ कश्मीर। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। हेलो, मैं शहताज बोल रहा हूँ, लश्करे मुजाहिदीन का लीडर हूँ मैं। आज जिस बम ब्लास्ट की खबर को तुमने अपने अखबारों की हेडलाइंस बनाया है, वो धमाका हमने किया है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन आप कीप क्वाइट एंड लिसन केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। अपने अखबारों के फ्रंट पेज को हमारे लिए खाली रखना, क्योंकि ये धमाके अब रोज होंगे और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा कश्मीर आजाद नहीं हो जाता। निर्दोष लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या की गई है, ये कैसा जिहाद है? ये कैसी आजादी की लड़ाई है? ये किसकी आजादी के लिए है? पाकिस्तान समर्थित जिहादी संगठनों के काम नापाक है, इस्लाम और इंसानियत के विरोधी है।
कहते हैं शेर का शिकार करना हो तो बकरी को दांव पर लगाना पड़ता है, और देखो सचमुच चंद बकरियों ने तुम्हारा रास्ता रोका और हमने इस शेर को दबोच लिया। लेकिन तुम्हें शेर कहना शेर की तौहीन है। तुम तो गीदड़ हो शाहताज, गीदड़ कायरों की तरह डरकर चुप कर मुट्ठी भर लोग बॉर्डर क्या पार कर लेते हो, खुद को सूरमा समझने लगते हो। ये कहां की मर्दानगी है? किसी भी चौराहे में बम फोड़ दिया, मंदिरों में गोलियां चला दी, क्या यही है तुम्हारा जिहाद? मुल्क की लड़ाई को मजहब की लड़ाई का रंग दे रहे हो ऑफिसर। किस मुल्क की बात कर रहे हो तुम? पहचान क्या है तुम्हारी? हो क्या तुम पाकिस्तानी, अफगानी या कश्मीरी? नहीं साताज, तुम्हारा कोई प्रांत नहीं है। तुम एक टेररिस्ट हो। धर्म की मंडी में आतंक की दुकान खोल रखी तुम लोगों ने, धंधा करते हो तुम लाशों का। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे इन हमलों से हमारे देश की एकता में कभी कोई दरार नहीं पड़ेगी। दरार नहीं पड़ेगी ऑफिसर, तुम्हारे मुल्क का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ठीक में मिले हथियार और खैरा के रुपयों से ये जंग लड़ोगे? डोंट अंडर एस्टिमेट अवर पावर। बहुत जान है हमें, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना हक और अपनी जमीन हासिल नहीं कर लेते। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? कश्मीर? कश्मीर किसी बकरी का मेमना नहीं है जिसे अपने जबड़ों में दबोच ले जाओगे। नहीं जीत सकोगे तुम हमसे। तुम्हारे देश में उतना अनाज नहीं है जितने हमारे अर्सनल्स में बारूद भरा हुआ है। कि हम जंग के नहीं, अमन के पुजारी हैं। जो इसे हमारी कायरता समझेगा मसल के रख देंगे उसे। किस किस को मसलोगे? तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी जब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारे हर 10 आदमी में एक आदमी हमारा है। अरे कोई है? हेलो, कौन है? हेलो, कौन है? मैं, इधर। अरे तुम इसमें है? अरे तुम इसमें है? कौन है तू? कमरा चाहिए। कमरा? अरे यहाँ पर कोई कमरा खाली नहीं है, सब हाउसफुल है। 10,000। 10,000? 20,000? अरे मेरे यार, ये ले कमरा नंबर 420। मेरे को बात में आज तक 10,000 घुमा दिया। एक्सक्यूज मी, कौन है? होटल में अभी अभी कोई आया था? अरे ये तो होटल है, इसमें आदमी आता है और जाता है। ये आदमी यहाँ आया था? आया था? नहीं, नहीं आया था। मगर ये आदमी है कौन? महारानी पद्मावती का 20 लाख का नेकलेस चुरा के भागा है। चलो दूसरी तरफ देखते हैं। तुम हमको कानून वानून मत सिखाओ, सीधी तरह बताओ वो हार किधर है। कौन सा हार? महारानी पद्मावती का हार। आप उन कोई पद्मावती चंपावती को नहीं जानता है? लेकिन पुलिस तुमको अच्छी तरह से जानती है, नीचे बैठी हुई है। ऊपर बुलाऊं? पुलिस? पुलिस, मैं कह रहा हूँ 1,00,000 में दे दे मुझे हार। सेठ, हीरों का हार खरीद रहा है क्या चने? जान पर खेल कर चुराए, कचरे के भाव में खरीदेगा क्या? अरे शुक्र कर के मैं चोरी का हार तेरे से खरीद रहा हूँ, वरना इतना कमीशन तो तुझको पकड़वा कर भी मिल जाएगा। एक में तो नहीं दूंगा, जा बुला ले पुलिस को। बच्चे, सेठ माल पानी से अड़ी? अरे ऐसी कैसी तड़ी? दे दे ना मुझे, दे दे। चिंदी चोरी नहीं आती अपन को, 5 देता है तो डन। हाय, कुछ तो कम कर, कुछ तो रहम कर। बिल्कुल नहीं, 5 वो भी कैश। कैश? ओके, कैश, एश। अरे महारानी पद्मावती का हार है 25-30 लाख का तो होगा,
माफ करना सेठ, इसका तो कोई 250 भी नहीं देने वाला। 250 क्या कह रहे हो? अरे करके जाना। राम के पिल्ले, ये नुकसान तेरा बाप भर के देगा। ए, कौन है बे तू? आग में कूद पड़ूं, इरादों में असर रखता हूं। नाम है परवाना,
हथेली पे जिगर रखता हूँ। अबे परवाना हो या दीवाना, ये होटल भूखे नंगों के लिए नहीं है। क्यों, तू माँ के पेट से नोटों का सूटकेस लेके पैदा हुआ था क्या? तेरी तो। अरे साहब 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 साहब, आप क्या कर रहे हैं साहब? आप इस होटल के मालिक हैं। समझा इसको, समझा। भाग मारे नाम है इनका। भाग मराठी में शेर को बोलते हैं, और मारे का मतलब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वाघ मारे, यशवंतराव वाघ मारे, ये मुंबई शहर है ना, मेरे जूते के तल्ले से ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पैर मारो तो विधानसभा की ईंटें हिलने लगती है। मेरे को सर्दी होती है तो दिल्ली वाले नाक पहुंचने के लिए आते हैं। तेरा तो खड़े खड़े पेशाब निकाल दो। सॉरी साहब, अब आप उनको क्या मालूम आप इतना बड़ा आदमी है, लेकिन इसमें हमारा क्या मिस्टेक है? शक्ल से तो लग रहा है कि कचरे के डब्बे में पैदा हुआ, किसी टपोरी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पॉकेट मारने से शुरू किया और मिनिस्टर लोग की दलाली करके यहां तक पहुंचा। अब शक्ल की ज्योग्राफी पे तो यही हिस्ट्री नजर आ रही है। हीरा जसवंत इरफान। वैसे इतने कपड़ों के धुलाई के लिए एक ही वॉशिंग मशीन काफी है। कपड़े सुखाने की मशीन पे तो चाहिए ना। क्यों बच्चा? खाया पिया कुछ नहीं, क्लास तोड़ा। पांच लाख की गेम बजाने का आइडिया गुरु को मैंने ही दिया था। परसों केबल पर शान पिक्चर आ रही थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने एक होटल मालिक को ऐसे ही चुना लगाया था। मैंने बोला हाँ ये रिपीट वैल्यू वाला सीन है, कर डाल। अबे वो अमिताभ का सीन करने में कितनी डिफिकल्टी आई मालूम है तेरे को? अरे रहने दे रहने दे, सीन की असली हीरो तो मैं थी। तू फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? मोटे निकाल वो। हाँ भाई। मिले। चोरी का माल है ना, ऐसी जगह ठूसना पड़ता है कि किसी को खबर भी ना हो। मेरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देना, हर महीने इंटरेस्ट भी दूंगी। गणेश चाचा की बेटी की शादी का खर्चा 25,000, बस्ती के टॉयलेट रिपेयर का खर्चा 10,000, ये ले। शबनम खाला किशोरी चाची और वर्षा बहन के घर का खर्चा, बस्ती के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, जो तुमको खिलाया पिलाया पार्टी दी उसका 30,000, बाकी बचे 4,25,000 रुपए, ये हम लोग आपस में बांट लेंगे। बच्चू, हाँ तेरी दौड़ आज यहीं तक थी। अरे अरे
ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? है? किसने किया तेरा ये हाल, किसने किया बता मुझे? फूल जैसा चेहरा एकदम झूल गया है। भाभी कभी से तेरे कैसे बंद करके रखे मेरा बच्चा है? देखो ना, सुबह से शाम हो गई, आपके मियाँ ने पानी नहीं पूछा। तू फिकर मत कर, मैं तेरे लिए तेरी फेवरेट आइटम लाई हूँ, हमन ढोकला। अच्छा चाची चाची ये लो। थैंक यू बेटा। अरे शर्म नहीं आती एक चोर की इतनी खातिरदारी करते हुए? एक खबरदार, जो मेरे देवर को चोर बोला तो बोल देती हूँ। अरे असली चोर को देख के तुम्हारी आंखें तो ऐसी बंद होती है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर की होती है। अरे कोई मिलता नहीं है इसलिए हमेशा इसको ही पकड़ कर अंदर डालते रहते हो। बस हो गई ड्यूटी। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे बकवास मैं करती हूँ कि तुम कर रहे हो? 11 साल हो गए ये नौकरी करते हुए, अभी तक 11 रुपए प्रमोशन मिला नहीं तुमको? वही रहने के लिए पुलिस का कॉटेज, वही इंस्टॉलमेंट पे टीवी फ्रिज और वही जुड़ना पुराना पति। मैं तो कहती हूँ जिस दिन तुम असली कल्प्रिट को पकड़ कर अंदर डालोगे ना, उस दिन मैं अपने पैसे से मेडल खरीद कर तुम्हारी छाती पे लगाई। क्या ऐसे सरकारी सांड के माफिक मुझे देख के नाक से हूँ कर रहे हो? खोलो दरवाजा, खोलो इसको बाहर निकालो, चलो। अरे पागल हो गई क्या? कल ही इसने एक होटल मालिक को 5 लाख का चूना लगाया, 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचा? अरे फिर तो उसको सेल्समैनशिप का अवार्ड मिलना चाहिए। 20 रुपए का हार 5 लाख में बेचना कोई मजाक की बात है? बेचा नहीं, ठगा है, फ्रॉड किया है, कांच के टुकड़ों को हीरो के भाव में बेचा है। कौन बोलता है उससे फ्रॉड किए? क्या प्रूफ क्या है तुम्हारे पास है? अरे उफा मैं नहीं, सूट बूट में लिपटा हुआ जिंदा सलामत चश्मे दीद गवाह हूँ मैं, यही था जिसने 5 लाख का चपत मारा है हमको। अरे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, इसको छोड़ूंगा। कोई उधार मांगे तो जेब से 5 रुपया निकलेगा नहीं, और 5 लाख की बात कर रहे हो? बोलो देखो, हमारी शक्ल पर मत जाना, हमारी अकल बहुत तेज है, हमने अच्छे अच्छों को नफे के भाव में खरीद कर घाटे में बेच दिया है। हमारा नाम सेठ मालपानी ऐसे ही नहीं है। अच्छा अच्छा मालपानी भाई, तुमको चौकस मालूम है कि ये लड़के ने तुमको उल्लू बनाया? देखो हमारा आंख चील का गिद्ध का है, जिसको एक दफा देख लेता हूँ ना उसकी तस्वीर हमारे कंप्यूटर के अंदर छप जाता है। अरे चरिया बोला, रानी महारानी पद्मावती का लाखों का हार है, चोरी का है, इसलिए 20 लाख का 5 में बेच रहा हूँ। मैंने ले लिया। तो तुम तो एकदम बराबर मालूम है कि ये बोला चोरी का माल है, इसलिए मैं 20 का माल 5 में दे रहा हूँ। बिल्कुल यही बोला, लफज बा लफज। दरवाजा खोलो, इनको अंदर डालो। मेरे को अंदर क्या बकवास करता है बाबा? अरे बकवास नहीं, मैं एकदम बराबर बोल रही हूँ। अंडर सेक्शन 11 इंडियन पिनल कोड 308 के मुताबिक चोरी का माल बेचने वाला भी चोर और चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर। मैं चोर नहीं। हेलो रेट। अरे ऐसा क्या देखते है, मैंने लो पढ़ा है लो। ये तो मेरी शादी हो गई, वरना आज मैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे टॉप कुर्सी पर बैठी होती, समझ गए? अभी देखना दोनों पे केस चलेगा, दोनों पे। इसको तो 10 साल की जेल लगेगी, लेकिन तुमको अभी कम से कम 6-7 साल की जेल तो लगेगी। मालपानी भाई गए कम से, माल इधर पानी उधर हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अरे 5 पेटी गई 100 अलग, अब चक्की पीसनी पड़ेगी जेल की 100 वो अलग। अरे झूले लाल मुसीबत से निकाल। अरे इतने से काम के लिए झूले लाल को क्यों तकलीफ देता है? झूले लाल बोले, मैं बोला इधर आ, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते करो करो करो। जेल नहीं जाना चाहता ना? नहीं नहीं, सपने में भी नहीं जाना चाहता। तो जेब में जितना माल है निकाल। अरे जालिम, चील के घोंसले में से मांस निकाल रहा है। अच्छा जो कुछ बचा कुचा है ले ले, भागते भूत की लंगोटी है, मगर मुझको वो मंत्र बता कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। कंप्लेंट वापस ले ले। सो सिंपल एंड सो कॉस्टली। कब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर। हाँ चलो आओ बैठो। ये लो सिखाता हूँ, दूध पियो। नहीं पीना है मुझे। अरे पियो ना, दूध ठंडा है, मगर ठंडा हो जाएगा। नहीं पीना है मुझे। नहीं पीना है नहीं। मत पियो, जाओ मैं ही पी जाएगी। पछताएगी, बहुत पछताएगी। क्यों, इसमें जहर है? अरे जहर तो तू घोल रही है उसके जीवन में अपनी ममता का। हवालात में टिफिन लेके जाती है, वकील बन के उसको छुड़ा के लाती है। आज हजारों लाखों की हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन कल ऐसे गोरख धंधे में फंसेगा ना, ना तेरे जज्बात काम आएंगे ना मेरी वर्दी। पाप की नैया ज्यादा देर नहीं तैरती। अरे उसकी नैया तो बाद में तैरेगी, पहले अब अपने आदर्शों का टाइटेनिक तो संभालो। उसके बारे में जब भी कुछ निकलता है मुँह से तो आग ही निकलती है। अरे तू है ना आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड।
तेरे चाचा के बारे में कुछ भी बोलो तेरी माँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। हाँ हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले वो मेरे कोख से नहीं जन्मा है, मगर मेरे लिए वो औलाद से भी बढ़कर है। आज वो नहीं होता तो हमारे घर में ना तो ये चिराग होता और ना तो मेरे गले में मंगलसूत्र होता। आज भी मुझे बराबर याद है, उस वक्त धर्म के नाम पर सारे शहर में दंगे फसाद हो रहे थे। भगवान भला करे उन दंगा कराने वालों का, जिनके खुद के घरों का तो एक सीसा भी नहीं टूटता, लेकिन हजारों बेकसूर लोग बलि चढ़ जाते हैं। ऐसे में मुझे लेबर पेन शुरू हो गया था। आप तो ड्यूटी पर थे। कर्फ्यू के अंदर जलती हुई गलियों और मोहल्ले से होकर वो मुझे अस्पताल लेकर गया था। आज उसकी वजह से मेरी गोद हरी भरी है, याद है ना आपको? मानता हूँ कि उसके एहसान है हम पर, लेकिन उसका एक कर चुकाने के लिए तू उसे पाप के दलदल में धकेल देगी? कौन बोलता है वो पापी है? कौन बोलता है वो पापी है? चलो मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। अब्दुल भाई, इनको बताना मेरा देवर पापी है क्या? वो चोर है? कैसी बातें कर रही हो भाभी? आज इस बस्ती के दर्जनों चूल्हे उसी की बदौलत जल रहे हैं। सुन लिया? ए वाड़े अंकल, आओ इधर। वाड़े अंकल, इनको बताओ मेरा देवर कौन है, बताओ इनको। वो बदमाश एक नंबर का लुच्चा लफंगा है। हा? गोली मार देना मांगता है उसको। देखा सुना? रात को जब मैं सोता रहता है तो आके जगा देता है। उससे कोई तकलीफ तो नहीं है? थाना नींद खराब कर देता है। मेरा बाईपास भी उसने ही कराया है। बहुत अच्छा मानुस है। सुन लिया तुमने? अरे सुन लिया, बहरा नहीं हूँ। हाँ अब बोल देती हूँ, उसके बारे में एक भी लफ्ज मुँह से निकाला ना तो डिवोर्स तो मैं लूंगी ही, लेकिन उसके पहले कमिश्नर से बात करके तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगी। ऊपर तक पहुँचे मेरी, पहले डिवोर्स ले ले। यहाँ क्या कर रहे गुड्डू? जलेबी लेने आये हूँ। चाचू लॉन्ड्री में लोग कपड़े लेने आते हैं, मैं यहाँ डैडी के कपड़े लेने आया हूँ। ये लो गुड्डू बेटा, तुम्हारा पैकेट। क्या कपड़े हैं अंकल, ये क्या कर दिया? ये ले बेटा तेरा पैकेट। थैंक्स अंकल। कितना नहाते हो, कितना नहाते हो, औरत को भी इतना टाइम नहीं लगता है। और मैं तो कहती हूँ कितना भी आप घिस घिस के नहाओगे ना, आप गोरा नहीं होने वाले हो। मत छिड़को ये पाउडर, मत छिड़को, ऐसा लगता है जैसे काले जामुन पर नमक छिड़काओ। तेरा टेप रिकॉर्डर बंद कर और मेरी वर्दी ला। पापा ये लो। अरे वेरी गुड बच्चे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यूनिफॉर्म चकाचक होके आया लॉन्ड्री से। क्या? ये यूनिफॉर्म है मेरा, मेरी वर्दी कहाँ है? ये आपके पति हैं? जी। तो मैं आपको चोर नजर आता हूँ? लगता तो है, लेकिन बोल कैसे सकता हूँ यार। नहीं नहीं वो बात नहीं है, मगर सर ये आपकी वर्दी जो है कुछ। अब सारी दुनिया कह रही है, जब मैं कहती थी तो सुनते नहीं थे। अरे पता नहीं इनको डाइटिंग का क्या भूत सवार हो गया है, इन्होंने 15 दिनों में 20 केजी लूज कर लिया है। 15 दिन में 20 केजी? जी हाँ, ये पहले आप ही की तरह फूले हुए तरबूज थे, लेकिन अभी देखिए ना इनको, ये सूख के लौकी की तरह हो गए हैं। पता नहीं इनको क्या फॉर्मूला मिल गया है डाइटिंग का। अरे मैडम आप जरा बख्शी साहब, मैडम को सब जेवर दिखाओ डायमंड्स में। अरे आप जाइए तो सही, सब डायमंड दिखाएगा आपको। सर एक मिनट, मेरे मोटापे से मेरी बीवी भी बहुत परेशान है, ये स्लिम ट्रिम होने का नुस्खा मुझे भी बताइए ना प्लीज। मामला गंभीर है, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे जो मैंने किया। अरे क्या बात करते हो, स्लिम होने के लिए तो मैं उल्टा लटकने को भी तैयार हूँ। वो तो आप ऐसे भी लटकने वाले हैं। जी कुछ नहीं। हाँ सर, रोज सुबह 11 बादाम 12 अखरोट 13 पिस्ते 14 अंजीर और 15 चिलगोजे 2 लीटर गर्म दूध के अंदर उबाल कर गटक जाओ। हमारी पूरी फैमिली? आप? मैं अकेला? हाँ। इतना खाऊंगा तो मैं। करेक्ट, सीधे जाओ आओ खाओ, फिर जाओ फिर आओ, फिर खाओ फिर जाओ फिर खाओ फिर आओ। 15 दिन के अंदर आप बिल्कुल। अच्छा, डर लग रहा है मगर ट्राई जरूर करूंगा। गुड, कुछ भाई करती नहीं ना? नहीं नहीं, जो होने वाला उसे क्या? मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो सर। किस बात की? हमारे बहुत ही गुप्त सूत्र से पता चला है
कि आपके कारनामों से खुश होकर आपको पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। क्या बात है सर? सर आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, पुलिस कमिश्नर बनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू आप हमारे अखबार को दीजिएगा सर। सर हमारा चैनल इंडिया का सबसे मशहूर चैनल है, आपके शपथ ग्रहण समारोह को हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे सर। सर आपका पहला फोटो हम हमारे टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छापेंगे सर। सो प्राउड ऑफ यू डार्लिंग। थैंक यू। एक मिनट, सबसे पहले आप हमारी और सेठ जी की तस्वीर खींचेंगे, क्योंकि ये खुशखबरी हमें इन्हीं की दुकान से मिली है। और याद रहे यही तस्वीर हर अखबार में छपनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। आपने हमारी बीवी के लिए हार सेलेक्ट किया? हाँ, ये देखिए, ये सेठ चुगामल ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, लेकिन उसको जाने दो, ये हार जो है भाभी को बहुत सूट करेगा। ये देखिए बहुत अच्छा है सर। शाम को मंत्री जी के बेटे की शादी में आ रहे हैं ना आप? अरे यार अच्छा याद दिलाया, डालें। चलो चलो, हमने मंत्री जी के बेटे के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, अब क्या करें? कितने का तोहफा देना चाहिए? कम से कम 5 लाख का तो होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम पुलिस वाले हैं, 5 लाख बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 50,000 ठीक है। हाँ, 50,000। पैसे निकाल। हाँ जी, जरा ये पकड़ेंगे। ये हार भी बहुत अच्छा है, आपको पसंद है, आप ले लीजिए। क्या वो डार्लिंग मेरे से गलती हो गई, वो पैसे वाला पर्स तुम्हें घर पर ही छोड़ा। क्या तुम हमेशा ये गलती करती हो? एक मिनट, पैसे मेरे पास है ना, ये। लेकिन लेकिन सेठ जी लोग क्या सोचेंगे? लोग गए बाहर में, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये आप हार रखिए। देखा तुम्हारी वजह से। नहीं सर नहीं, कमाल है, मैं पैसे घर आके ले जाऊंगा, आप रोइए मत। सेठ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात करते हैं, लेकिन मैंने किसी का उधार नहीं रखा है। एक काम कीजिए, मेरे घर जाके मेरे नौकर से पैसे ले। हाँ वो मैं ले लूंगा, लेकिन एक चीज याद रखिए। क्या? मेरा नौकर जरा आप, वो अपने आप को हरदेव हरियाणवी समझता है। ये तो आपका नाम है जी, अपने आप को सुपर कॉप समझता है। अगर वो कोई बदतमीजी करे तो एक दिन कनपटी के नीचे, अपने आप पैसे दे देगा। पैसे ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं जी। एक मिनट, ये कनपटी कौन सा इलाका? ये सेठ जी ये। हाँ तो बहुत कस के मारूंगा। थैंक यू, थैंक यू, चलो रोना बंद करो चलो। अरे डांटा नहीं सर, डांटा नहीं सर, अच्छे लोग हैं। अरे मरवर तो नहीं गया, दरवाजा खोलो भाई। हाँ नवाब सिराजुद्दौला का महल यही है? नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे? नहीं मुझे लगा शायद आप महल के दूसरे कोने में होंगे, तो यहाँ आने में आपको वक्त लग गया होगा। अरे नहीं भाई, वो बीबी बाजार गई है, बच्चा स्कूल गया है, और मैं गया था अंदर। नौकर साले बहुत मुंह लग जाते हैं। आपने मुझसे कुछ कहा? अबे दुरट, मुंह से भपका आ रहा है, लगता है पेट में दारू की भट्टी लगी हुई है। पुलिस स्टेशन के करीब जाएगा तो हथकड़ी लग जाएगी तुझको। अरे किससे बात कर रहा है, जानता है मैं कौन हूँ? अबे तेरी शक्ल तेरे ज्योग्राफी से मालूम है कि तू कौन है। आई? मुझे तेरे बाप ने भेजा है। बाप ने? मतलब तेरे साहब ने भेजा है। हाँ मेरे साहब ने, फिर पहले ऐसे बोलना चाहिए ना। मेरे दो दो साहब है, एक वाघमारे साहब है, एक त्यागी साहब है, उसमें से किसने भेजा है? आओ आओ आओ, चल चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल। अरे तुम आओ। बेवकूफ, मुझे तेरे उस बॉल ने भेजा है जो तुझे खाना देता है, ये पहनने को देता है, और ये क्या है, ये लंगे लंगे ये देता है। हाँ अबे मुझे इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है। तुम्हें इंस्पेक्टर हरदेव सिंह हरियाणवी ने भेजा है? हाँ तो? नहीं नहीं, तुम जानते हो हरदेव सिंह को? अच्छी तरह जानता हूँ, आज सुबह मेरे आर्केड में आए थे, सामान पसंद किया, भाभी के लिए हीरों का हार लिया, उनके पास कैश नहीं था, 50,000 कैश लिए, पूरे मिला के 2.5 लाख हो गए, कहा जाके नौकर से ले लो और ये कार्ड दे देना, चलो 2.5 लाख निकालो। 2.5 लाख, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नाम इस्माइल भाई मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट मेरा तखल्लुस है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बड़ा अच्छा नाम है मुस्कुराहट जी। जरा आपको हार्ट अटैक की बीमारी, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर कुछ है? बेवकूफ, अगर ये बीमारियां रईसों को नहीं होंगी तो फिर डॉक्टरों के नर्सिंग होम कैसे चलेंगे? सुन, साथ में डायबिटीज भी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जरा आपके फैमिली डॉक्टर का नंबर देंगे? क्यों? मैं जरा एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। काहे के लिए? इसलिए कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है,
आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपका ब्लड प्रेशर तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। क्यों डरा रहा है यार, सीधे बोलना क्या बोलना चाहता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो आदमी आपको 2.5 लाख की चपत लगा कर गया है ना, वो हरदेव सिंह हरियाणवी नहीं था बल्कि एक चोर लुटेरा लफंगा था। वो आदमी तुम्हें चूना लगा कर गया है और असली हरदेव सिंह मैं हूँ। अच्छा हाँ। असली हरदेव सिंह तू है। जी 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 बेटा, मैं तेरी मेडिकल रिपोर्ट पूरी सुन चुका हूँ और तेरे मालिक ने कहा अगर ये सीधे न माने तो कनपटी के नीचे एक देना। चल मेरे 2.5 लाख रुपए निकाल, मैं तो ऐसा हाथ मारूंगा कि नाक के रास्ते वो 2.5 लाख रुपए चिल्लर की तरह बाहर गिर जाएंगे। तू इंस्पेक्टर को मारेगा? अबे तू मार निकालता गिरी। इंस्पेक्टर को मारने के जुर्म में, उसके घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। एक तू तो इंस्पेक्टर वाली भाषा बोल रहा है यार। मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये देखो मेरा कार्ड। लगता नहीं है मगर। लगता नहीं, नहीं मतलब माफ करना। अरे मारता है ऊपर से। मुझसे गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहचान नहीं सका। वो आदमी मुझे लूट के चला गया, मेरे 2.5 लाख रुपए ले गए, मैं क्या करूं? मुस्कुराते हुए उसे ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मुस्कुराहट किसको बोलते हैं? हाँ जो आप पहले मुस्कुरा रहे थे उसी को बोलते हैं। अभी मुझे याद नहीं है, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारा FIR मेरे पास दर्ज हो चुका है। कहाँ दर्ज हुआ है? अरे मेरे पास दर्ज हुआ है। तुम्हारे पास क्यों? अरे मैं इंस्पेक्टर हूँ। ये पोटली संभाल के रख, कहीं ऐसा नहीं हो आज ये पोटली फिर सरदार ले उड़े। हट, रोज रोज संडे थोड़ी होता है। के पीछे भागा था ना, क्या हुआ उसका? मिला के नहीं? मिला ना। कहाँ? पूल में। पूल में? हम दोनों उसी में गिरे थे। फिर क्या हुआ? फिर पानी में आग लग गई। ए भाई, हम लोग उस सरदार जी के बारे में पूछ रहे हैं। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या मुखड़ा है, क्या आंखें हैं, क्या होठ है। ऐसे लगता है कि ऊपर वाले ने सारे स्टाफ को छुट्टी देकर अपने हाथों से उसे बनाया है। ना शहर तो बस हुआ।
ये तो आए नजर दिल के पास, प्यार तो होता है प्यार, प्यार तो होता है प्यार, प्यार तो होता है प्यार, प्यार तो होता है प्यार। ना शहर में हो ना ही घर में हो, प्यार तो बस हुआ एक नजर में हो, ये तो आए नजर दिल के पार, प्यार तो होता है प्यार, प्यार तो होता है प्यार, प्यार तो होता है प्यार, प्यार तो होता है प्यार।
अरे हम इनका दुपट्टा भी ऐसन पकड़ता हूँ जैसे आरती का दिया। और तू इस देवी को ऐसे उठा के लाया है, का समझा है? आटे का बोरी। इसमें इन लोगों का भी मिस्टेक वन नहीं है ना, आप खुद ही दर्शन बाजू नहीं देती है। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कौप कौप देवी जी, 12 लाख रुपया निकलता है तुम्हारे ऊपर, 3 लाख लौटा दीज, बचे 9 लाख वो कौन देगा? उस रुपए के लिए हम अपनी जवानी ढलने का इंतजार कर रहे हैं या तुम्हारे सबब पे आने का? देखो जितनी जल्दी हो सके मैं लौटा दूंगी। पीपी पीपी यादव नाम है हमरा बुजले का, हैं? यहां खड़े सभी लोगन से पूछ ले, 13 साल के थे हम जब हम दरभंगा से यहाँ आए थे, साला इसी क्लब के नीचे हम कंडेरी बेचा करता था, कंडेरी। इस क्लब के मालिक का लड़का हमसे रोज कंडेरी खाता था पर पैसा नहीं देता था। एक दिन हम पैसा मांगी तो साला हमको हड़का दिया, हमारी खोपड़िया घूम गई। चीर दिया साले का गला इसी चाकू से, करवा दी उसकी खोपड़िया पार्सल वापस दरभंगा। और एक नहीं ऐसा नहीं, शहर में 12 क्लब हैं हमरे, 12। साला एक से एक टॉप क्लास मक्खन मलाई हमरे कस्टमर को इंपोर्टेड शराब पिलाता है। और एक हम हैं कि हमरा दिल इस देसी धनिया की चटनी पर आ गया है। क्या करी, दिल ही तो है। एक ऑफर है, हमसे हर महीना 9 लाख रुपया ले लो खर्चा पानी के लिए। बस गंगा कसम हमरी पॉट रानी बनने के लिए हाँ कही तो। अबे ओ उजड़े मजार की बुझती हुई अगरबत्ती, लड़की को क्या डराता है? आप उनसे बात कर। इस ससुर का नाती कौन है बे? एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद क्षमा को लेने आया है परवाना। ए महाराज, अरे कोनू बाप का दुकान है का जो बिना कीमत दिए हुए माल ले जाओगे? बुझले का, इसका भाई हमरे क्लब में 12 लाख हार गया था, 3 तो मैडम चुका दीस, तू 9 दे जा और ले जा। जुए में आ रहे थे ना, जुए में लौटाऊंगा। का मतवल? 3 पत्ते तेरे सामने हैं, गुलाम बेगम बादशाह, तुझे से बेगम पर हाथ रखना है। सही निकला तो लड़की तेरी, वरना 9 लाख बराबर। आज देखो लगा दिए हैं तुमको दांव पर युधिष्ठिर महाराज। अब बोलो मंजूर है? मंजूर है। हार गए हैं तुमको युधिष्ठिर महाराज, अब चलिएगा आप हमारे। अब का है भैया? पीपी यादव नाम है हमरा, देख कर रहे हो चीर दो साले को। आज के बाद फिर ना लेना मुझसे पंगा, वरना पहुंचा दूंगा दरभंगा।
छोटा भाई है मेरा। कद का क्या बड़ा हो गया, खुद अपने आप को सचमुच बड़ा समझने लगा। ड्रग्स लेता था, ताजुब हो रहा है ना, भाई ड्रग एडिक्ट, बहन चोर। ऐसे नहीं थे हम पापा, हम दोनों भाई बहन से बहुत प्यार करते थे। मामी की गुजरने के बाद कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। प्रिंसिपल थे कॉलेज में, एक दिन हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही चल बसे। उनके मरने के बाद गवर्नमेंट से मिला हुआ घर भी चला गया। कॉलेज छोड़कर मैंने नौकरी कर ली, सोचा कि मैं नहीं पढ़ सकी तो क्या हुआ, भाई को बहुत काबिल बनाऊंगी। इसने कब कैसे बुरी आदतों की सारी डिग्रियां हासिल कर ली, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन कुछ लोग आए और कहा कि इसने जुए में 11 लाख रुपए हार दिए हैं, रकम नहीं चुकाई तो इसकी जान ले लेंगे। उसी खौफ से आजाद होने के लिए इसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, वो तो बाद में मारते, ये खुद मौत के मुंह में चला गया। इसका इलाज और इतनी बड़ी रकम चुकाने के लिए मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। शरीफ से शरीफ आदमी भी एक बेसहारा औरत की मदद करने का मुआवजा मांगता है, इसलिए मैंने लूटने के बजाय लूटने का तरीका अपना लिया। जरा जरा से याद है, 7-8 साल का होऊंगा मैं, दिवाली की रात थी, अनाथ आश्रम के बाहर बहुत रोशनी थी, पटाखे चल रहे थे, खुशियां थी, और हम सब बच्चों के अंदर अंधेरा था, खामोशी थी। मुझसे रहा नहीं गया, दीवार फांद कर मैं बाहर गया और एक दुकान से बहुत सारे पटाखे चुराए और लाकर बच्चों में बांट दिए। थोड़ी देर के लिए हमारी जिंदगी में भी शोर था, खुशियां थी, रोशनी थी। फिर वो दुकान वाला पुलिस लेकर आ गया, बहुत मारा। वो आधे घंटे की दिवाली आज भी याद है। एक बात बताओ, अगर तुम मुझे जुए में हार जाते तो? अपनी जीत तो नक्की थी। वो कैसे? गुलाम और बादशाह हाथ में थे और बेगम साथ में। तुमने 3 काम बहुत अच्छे किए, एक शादी कर ली, दूसरे बुरे कामों से तौबा कर लिया, और तीसरे इस्माइल भाई के बच्चे ले आए। हालांकि मुझे चपत तो बहुत बड़ी लगाई तुमने, लेकिन चूंकि तुमने वो पैसा किसी गलत काम में, तवायफों में, शराबों में खर्च नहीं किया, इसलिए तुम्हारे गुनाह माफ, लेकिन तरीका गलत था। एक बात याद रखना, दुनिया में जितनी भी चीजें सांस लेती ना, सबकी रोटी की जिम्मेदारी उसने ली है, फिर उसके कामों में टांकियों अड़ाना, और अगर अड़ाना है तो फिर अपनी मेहनत के पैसे से अड़ाओ, अपनी मेहनत के पैसे से। नौकरी करने का अगर शौक है तो मेरा एक कॉफी शॉप है, उसकी जिम्मेदारी संभाल लो, नौकरी पक्की। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून बहुत बह गया है। आप ऐसा कीजिए,
काउंटर पर जाकर 50,000 रुपए जमा करा दीजिए। इस्माइल साहब घर पे? दिल्ली गए हुए हैं साहब। इसको खुदकुशी करने के लिए पुलिस की जीप ही मिली थी। अरे तू क्या लेकर भाग रहा था? मुझे नहीं मालूम ये क्या है। मैं तुझे आज तक एक मामूली चोर समझता था, लेकिन तू तो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानता ही ये क्या है? बम है, बम। किसने दिया तुझे और कहां लेकर जा रहा था ये? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। भगवान की सौगंध, मैं तो सिर्फ बैग चुरा कर भागा था। झूठ बोल रहा है, आतंकवादी बन गया है तू, और वो भी कुछ पैसों के खातिर। पूजा को होश आ गया है, आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। थैंक यू सिस्टर। अब तुम लोग अपनी शक्ल की डिजाइन तो ठीक करो, चलो। अरे अरे लेटी रहे लेटी रहे। डॉक्टर ने उठने बैठने को मना किया है। कैसी है तबीयत? मैं ठीक हूँ। वो कहाँ है? वो आ जाएगा हाँ, इधर ही था। वो बहुत परेशान था तेरे लिए, ऑपरेशन होने तक वो इधर ही था। आ जाएगा। अब तो मुझे होश आ गया है, लेकिन आप लोग बताते क्यों नहीं? आखिर वो है कहाँ? आज तो मैंने पानी पिला दिया, लेकिन हो सकता है कल मैं ये भी ना कर सकूं।
कितना रोका था तुझे, कितना समझाया कि ये उल्टे सीधे धंधे मत कर, लेकिन नहीं माना। अब आ गया ना कानून के जबड़ों तले। कल तक रुपए लूटता था, आज देश लूटने पर उतारू हो गया। आप उनके चेहरे को गौर से देखो साहब, आप उनके माथे पर पसीना हो सकता है लेकिन आंख में शर्मिंदगी का एक आंसू भी नहीं है। आप उन चोर है, फ्रॉड है लेकिन आतंकवादी नहीं है, देश का गद्दार नहीं है साहब। लेकिन कौन यकीन कर सकता है एक चोर की बात पर? जो जेब काट सकता है वो गला भी काट सकता है। जन्म देने वाली सिर्फ माँ ही नहीं, मिट्टी भी होती है, और जो माँ का सौदा करे, खून करे, वो बेटा आप नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आप तो सिर्फ बैग लेकर भागा था, उसके अंदर क्या था ये आप उनको नहीं मालूम। मान लेता हूं, लेकिन कानून कैसे मानेगा कि तू बेगुनाह है, तेरा आतंकवादियों से कोई लिंक नहीं है? कैसे प्रूव करेगा तू? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत है साहब, जिस आदमी से बैग छीना था उसके राइट हैंड पर चाकू से वार किया था आपने, और वो जख्म सूखने को कम से कम 1-1.5 महीना तो लगेगा। तू क्या समझता है कानून तुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इन सलाखों के बाहर जाने देगा कि जाओ उस आदमी को पकड़कर लेकर आओ, और ये हादसे के बाद वो आदमी शहर में रहता होगा? इम्पॉसिबल। तूने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है कि मैं चाहूं तो भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पूजा कैसी है? पूजा, पूजा ले तेरा फोन है। हेलो हेलो, कौन? कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? जब से होश आया है सबसे पूछ रही हूँ लेकिन कोई बताता ही नहीं। सभी यही कहते हैं कि तुम आ जाओगे, ऐसे वक्त में तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। आकर देखो तो सही कि पूजा के चेहरे पर तुम्हारी दी हुई जिंदगी का रंग कैसा लगता है। अम्मा, बहुत जल्दी आऊंगा, अपना ख्याल रखना। आतंकवादी संगठन का एक खास मोहरा गिरफ्तार, पूछताछ का सिलसिला जारी। पुलिस ने कल रात परवाना नाम के आतंकवादी को उस वक्त रंगे हाथों गिरफ्तार किया जब वो अपने साथ में एक खतरनाक बम लेके जा रहा था। जी हाँ, ये वैसा ही बम है जिसके पिछले धमाके ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, जिस हादसे में लाखों बच्चे, बूढ़े और जवानों की मौतें हो गई। आखिरकार ये खतरनाक बम आए कहाँ से? तहकीकात जारी, ये जानकारी हम आपको समय समय पे देते रहेंगे। तोड़े, इंस्पेक्टर तोड़े नाम है मेरा। आज तुझे इतना तोड़ूंगा कि तू खुद बोलेगा इंस्पेक्टर तोड़े, फिर किसी को ऐसा ना तोड़े। बता कहां बम ब्लास्ट करने वाला था तू, बोल। तेरे साथ और कौन कौन लोग हैं बता। तेरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन है बोल। कहां से ऑपरेट करते हो तुम लोग बोल। अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो अपनी वर्दी का। वर्दी का इस्तेमाल अभी किया कहां है, अभी तो सिर्फ डंडा इस्तेमाल कर रहा हूं। ए उठाओ इसको। ये मत भूलो कि मुजरिम भी इंसान होता है। जिन में इंसानियत होती है वो जुर्म नहीं करते। लेकिन इसका जुर्म अभी साबित होना है। होगा, जब तोड़े इसे तोड़ेगा तो ये अपने जुर्म का इकबाल भी करेगा। तुम इसको टॉर्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा केस है। तुम्हारा केस था, अब ये मेरा केस है। अरे किसने दिया तुम्हें इसका चार्ज? इसका जवाब तुझे कमिश्नर से मिलेगा। कमिश्नर,
जा। जा कमिश्नर से बात कर। क्यों बेकार में मार खा रहा है? अपना जुर्म कबूल कर ले वरना बेमौत मारा जाएगा। मेरे जुनून की मिसाल देता है जमाना, क्योंकि मौत से डरता नहीं परवाना। अब भी ये पूछने का हौसला है तुम में? ये केस तुमसे वापस क्यों लिया गया? एक खतरनाक मुजरिम तुम्हारी हिरासत में है, तुम उससे कुछ उगलवाने के बदले उसकी खातिरदारी में लगे हो। ये झूठ है सर। झूठ है? 18 थानों के रजिस्टर भरे पड़े हैं उसके कारनामों से। चोरी, गुंडागर्दी, फ्रॉड, रुपयों की खातिर लोगों को ठगना उसकी स्पेशलिटी है। तो क्या यह मुमकिन नहीं कि एक बड़ी रकम की लालच में वो आतंकवादियों से मिल गया हो और उनके लिए काम कर रहा हो? वो आतंकवादी नहीं है सर। जो आतंकवादियों के माथे पर ये लिखा होता है कि वो आतंकवादी है, पुलिस चेहरे नहीं चरित्र देखती है। लेकिन मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ सर। तुम्हारी जान पहचान की कीमत ये मुल्क चुकाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में दखलंदाजी ना करो। यू मे लीव नाउ। एनी क्वेश्चन? नो सर। इंस्पेक्टर तोड़े ने जिसको तोड़ा उसकी हड्डियों को किसी डॉक्टर ने भी नहीं जोड़ा, और इसका तो फुल एंड फाइनल करना है। ए, रजिस्टर खोल, लिख। 20 फरवरी की रात को 10:30 बजे हवलदार शिंदे इसे खाना देने के लिए आया। ये हमले के लिए तैयार बैठा था। इसने एक ही घूंसे में हवलदार शिंदे के 5 दांत तोड़ दिए। मत, तेरे एक एक दांत की कीमत हीरे से ज्यादा दूंगा। दिखा कितने टूटे। हवलदार शिंदे की चीख सुनके इंस्पेक्टर कामले, बख्शी और तोड़े अंदर आए। इसने हमारे ऊपर भी हमला कर दिया। हाथापाई में इसने तोड़े इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। पहली गोली हवलदार की गर्दन को छूती हुई निकल गई और दूसरी गोली इंस्पेक्टर कामले के बाजू को छील कर निकल गई। अपने साथियों की यह हालत देखकर तोड़े से रहा नहीं गया। अपनी जान की बाजी लगाकर तोड़े ने उससे यह रिवॉल्वर छीन ली और सेल्फ डिफेंस में तोड़े ने उसकी खोपड़ी में छेद कर दिया। दी एंड।
क्यों मेरी जान लेना चाहता था तू? कौन है वो जो मुझे फंसाना चाहते हैं? बोल! मेरी जिंदगी का सौदा किसके साथ किया तूने? किन हाथों की कठपुतली है तू? बोल! जवाब सुनने के लिए तो जिंदा नहीं बचेगा। तोड़े तोड़ेगा आज तुझे, अब तोड़ेगा। तूने कहा था ना, इंस्पेक्टर तोड़े जिसे तोड़े, उसकी हड्डी कोई डॉक्टर ना छोड़े। आज मैं तुझे इतना तोड़ूंगा कि तू खुद कहेगा, इंस्पेक्टर तोड़े को कोई फिर ऐसे ना तोड़े। की जरूरत नहीं, इन आंखों में सच्चाई की चमक देख रही है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, वाहेगुरु सब ठीक करेंगे। खत्म कर दिया उसे। बोलते क्यों नहीं, वो जिंदा है या मार दिया? शाबाश, गले में कांटे की तरह अटक गया था हरामजादा। सुनो तोड़े, कल हमारे मिशन की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक 4:30 बजे क्लब स्कॉर्पियन पहुंच जाना। शर्म नहीं आई तेरे को इस घर में आते हुए? हाँ, क्या मुंह लेकर आया है तू? बड़ा हीरो बन गया है ना, हीरो। सब जगह तेरा फोटो छप रहा है, छापा में देखो, टीवी में देखो। देशद्रोही, आतंकवादियों का साथी। अरे गुनेगार तो मैं हूँ, मैं जो हमेशा तुझे बचाती आई हूँ। और परिणाम क्या मिला मुझे? तेरा ये रूप देखने को मिला। कितना पैसा मिला तेरे को? हाँ, अपना ईमान बेचने का पैसा कितना मिला तुझे? इतना कमाया तू, इतने माताओं को विधवा और बच्चों को यतीम बना लेगा? तुम इसे गलत समझ रही हो दामिनी। हाँ, इस पर देशद्रोही होने का इल्जाम जरूर है, और लाकोप से भागकर इसने उस शक को यकीन में बदल दिया है। लेकिन मेरा मन कहता है कि ये बेकसूर है, इसे फंसाया जा रहा है। मुझे वो डोर तो नजर आ रही है, लेकिन वो हाथ नहीं जो इस षड्यंत्र को रच रहे हैं। उन लोगों तक मैं आपको पहुंचा सकता हूं।
तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आतंकवादियों का दलाल तू है, देशद्रोही तू है, और मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू ही है। नमाज छोड़ना मत उस हरामी को, उसका जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक है। कल है वाह कमिश्नर साहब वाह, जिनके कंधों पर कानून ने सितारे सजाए उनके पैर गुनाहों के दलदल में फंसे होंगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने आज आपका ये घिनौना रूप देख भी लिया और सच्चाई सुन भी ली। मैं आपको इस मुल्क और कानून के साथ गद्दारी करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। एक अच्छा मुजरिम वही है जो अपने गुनाह का सबूत ना छोड़े। सॉरी हरदेव सिंह, सॉरी। कूद के मरेगा या मेरी गोली से? भगवान पर भरोसा रखिए भाभी, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं। भाभी देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ देर बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं। He is completely out of danger. देखा भाभी, मैंने कहा था ना भगवान आपकी सुहाग की रक्षा जरूर करेंगे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। देखा आपने, फौज पर चलने वालों का अंजाम, हमारी पुलिस फोर्स का एक जांबाज और ईमानदार सिपाही जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, उस मुजरिम को छोड़ूंगा नहीं जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज किया है। किसने चलाई गोली हरदेव जी पर? वही जिसको इन्होंने औलाद की तरह समझा, हर सुख दुख में उसका ख्याल रखा, लेकिन अपनी जान बचाने के खातिर उसने हरदेव सिंह को खत्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो तो आप जैसी देवी की तपस्या और भक्ति का फल है जो हरदेव सिंह जिंदा है, लेकिन मैं आपके देवर परवाना को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब कि हरदेव जी पर गोली परवाना ने चलाई है? मेरी आंखों के सामने। अपनी आंखों का इलाज करवाइए कमिश्नर भाई, खुद भगवान भी ये इल्जाम लगाएंगे ना तो भी मैं नहीं मानूंगी। भले मेरी कोख से नहीं जन्मा वो, मगर गोद में संभाला है उसे मैंने, वो हमारे लिए जान दे सकता है, जान ले कभी नहीं सकता। ये आपके जज्बात बोल रहे हैं भाभी जी, सांप को दूध पिलाने से सांप डसना नहीं छोड़ता। आपने पहचानने में गलती कर ली कमिश्नर भाई, परवाना सांप नहीं अजगर है, अजगर निगल जाएगा हर उस आदमी को जिसने उसे सांप समझकर कुचलने की कोशिश की है। बहुत अच्छा किया बेटा तू मेरे पास आ गया, पुलिस तुझे गली गली तलाश कर रही है। पुलिस मेरी दुश्मन नहीं है इस्माइल भाई, मेरा दुश्मन वो है जो आतंकवादियों का साथ दे रहा है। हरदेव सिंह भी देख चुका है उसे, ये तो सबूत काफी है मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए। नहीं बेटा, हरदेव सिंह तेरी मदद नहीं कर सकेगा। क्यों? तीन गोलियां लगी हैं उसको, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है वो, और वो गोलियां मारने का इल्जाम भी तेरे ही सर लगा है बेटा। टीवी, अखबार, रेडियो, हर जगह ये खबर फैला दी गई है।
कौन से हॉस्पिटल में हरदीप सिंह? पागल हो गया है तू? जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहता है? मैं तो बाद में मरूंगा इस्माइल भाई, लेकिन वो लोग मुझसे पहले उसे मार डालेंगे, क्योंकि हरदीप सिंह की जिंदगी उनकी मौत है। परवाना, मैं जान गया हूं कि तू बेकसूर है। जिसके हाथ से तूने वो बम वाला बैग छीना था और जिसने मुझे गोली मारी है, वो कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर त्यागी है। जी जनाब, हुकुम। ये कौन सी जबान बोलने लगा त्यागी? कौन बोल रहा? वो कहावत सुनिए ना, चाकू राखे साइयां, मार सके ना कोई। परवाना, अपनी मौत को अच्छा नाम दिया तूने। ये गलतफहमी तूने कब से पाल ली? एक बार सामने आ, फिर देख क्या हश्र करता हूँ तेरा। अगर ये तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो चल इसे भी पूरा कर देता हूँ। मुझे मारकर तेरा काम आसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत इंस्पेक्टर हरदीप सिंह जिंदा है। तेरे लोगों ने भी कबूल कर लिया कि हरदीप को मारने के लिए तूने उन्हें भेजा था, और यहां तेरा हर फोन टैप हो रहा है। मैं तेरी तरह पढ़ा लिखा तो नहीं हूं त्यागी, लेकिन इतना समझ सकता हूं कि एक कमिश्नर को इतनी तो तनख्वाह मिलती है जिससे वो अपने परिवार के साथ इज्जत से गुजारा कर सके। साले, तू मुझे भाषण देने आया है? नहीं त्यागी, ये हुनर मुझे नहीं आता, लेकिन कितनी मुश्किल है हमारे सिपाहियों की जंग। जो सरहद पे खड़े हुए दुश्मनों को तो पहचान सकते हैं, लेकिन अपनी खाकी वर्दी पहने हुए इन गद्दारों को वो कैसे पहचानेंगे? इस धरती ने तेरे साथ क्या कमी की जो तू अपनी मां के साथ गद्दारी कर रहा है? आज तुझे उन लाशों पर रोना नहीं आता जो उन धमाकों में मरते हैं, क्योंकि उनमें कोई तेरा अपना नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा त्यागी कि अपने ही किसी धमाके में तू अपने बीवी बच्चों की लाशें ढूंढेगा, क्योंकि उन धमाकों को तेरे बीवी बच्चों की पहचान नहीं। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इस मुल्क को बचा लूंगा, लेकिन कोशिश करके अगर एक जिंदगी भी बचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, चाहे वो तुम्हारे बीवी बच्चों की जिंदगी क्यों ना हो। शाताज़ इन अ सेलिब्रेट।
हैंड्स अप, जो मैं कहता हूं वही करो। हेलो शाहनवाज, वो लड़का हमारे बेस से हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया है, तुम्हारी तरफ ही आता होगा, होशियार रहना। आप फिक्र मत कीजिए भाईजान, आज वो यहाँ पहुंचा तो जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। क्या हुआ शाहनवाज? वो यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, तू पीछे जा, तोड़े स्टेयरिंग संभालता। तोड़े को तेरा इंतजार है। तोड़े ने सबको तोड़ा, आज खुद टूट गया। मुझे परवाना, मुझे बचा ले। वो बम लेकर कहाँ गया? आज गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है और वो पूरी मुंबई में धमाके करने वाला है। भाईजान, एक हिंदुस्तानी ने हमारे मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। भाईजान, मुझे माफ करना, बस एक बम बचाकर ला सका भाईजान। मुझे शाहनवाज तू मरा नहीं है मेरे भाई, तू शहीद हुआ है। तूने हमारे मकसद के लिए जान दी है। तेरी इस कुर्बानी को मैं जाया नहीं जाने दूंगा। जब तक इस मुल्क के हर घर की दहलीज पर
एक भाई एक बेटे की लाश न गिरा दूं, तब तक मेरे लिए पानी की एक बूंद भी हराम है। कुछ ही मिनटों में शहर के सब लोग मर जाएंगे। तू जो चाहे कर ले, तू उन्हें नहीं बचा सकता। मत समझना कि जीत गया तू, मैंने इस बॉम्ब का टाइमर ऑन कर दिया है। 8 मिनट के बाद एक ऐसा धमाका होगा कि लाशों के चीथड़े कन्याकुमारी तक जाएंगे और चीखों की आवाज मेरे कश्मीर में गूंजेगी। एक आदमी तेरे मुल्क के हजारों लाखों इंसानों की जिंदगी खत्म करने का दावा कर गया, बचा सकता है तो बचा ले, हजारों लाखों बेगुनाहों की जिंदगी। ये बॉम्ब मुझे उस जगह फेंकना होगा जहां इसका असर खत्म हो जाए, और वो है समुंदर। बनेगी एक नई तारीख, सुर्खियों में लिखेगा जमाना, अपने वतन की खातिर जान पर खेल गया परवाना।
दुनिया में आए हो तो यारो कुछ करके जाना, हाँ दुनिया में आए हो तो यारो कुछ करके जाना, वरना लोग कहेंगे वरना लोग कहेंगे और खाया पिया कुछ नहीं और जात तोड़ा पराना, दुनिया में आए हो तो यारो कुछ करके जाना।